गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग. द सेम वाइब, आई होप यू ऑल आर वाइबिंग. एज यू कैन सी कि इतना ज़्यादा फॉग बिल्डअप है यहाँ पे. अगर मैं अपने आगे देखूँ तो मुझे 20 फीट से ज़्यादा कुछ दिखेगा ही नहीं. देखो, प्लस कैमरा में वो दिख नहीं रहा जितना असली फॉग है. सो अर्ली मॉर्निंग मैं उठाऊ एंड आई एम गोइंग टू द जिम राइट नाउ, बिकॉज मेरा भी रूटीन इतना ज़्यादा वो है ना कि सिंस आई एम डूइंग नाइट फ्लाइंग तो फिर हो नहीं पाता है. तो दैट्स व्हाई ट्राई टू कोशिश करूँ कि सुबह सुबह जिम जाऊँ. आई नो बहुत पागलपन है, क्योंकि 8 डिग्री 7 डिग्री में जिम जाना, वेट्स उठाना, बहुत बहुत ज़्यादा जान चाहिए. मुझे कोई सुबह इतनी जल्दी जिम पे दिखता भी रही है. बट आई गेस वी गॉट टू डू व्हाट वी गॉट टू डू राइट. जिनने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि पीछे इस जिम के इतना अच्छा व्यू होता है एंड ऑल, बट अपेरेंटली अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है. एंड यूपी में यही रहता है, मतलब विंटर्स में ना काफ़ी फॉग बिल्डअप हो जाता है. इट्स लाइक यू कैन नॉट सी कि एकदम जस्ट 10-10 फीट तक तुम्हें कोई दिखता नहीं है और तुम्हारे सामने से कोई चले जाए. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर विशेज इन द लास्ट व्लॉग. आई होप मज़े आ रहे हो आपको व्लॉगिंग देख के मेरा, कि दैट आई एम बैक. एंड दोज ऑफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हेयर इज माई डिटेल, गो चेक इट आउट. यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स ऑफ माई नेक्स्ट व्लॉग कि कब आ रहा है, कब मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ. एंड आई एम वेरी क्लोज टू द 400 सब्सक्राइबर्स, सो डोंट स्टॉप नाउ, गो एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी. सो जस्ट फिनिश्ड माई वर्कआउट. आई डिड पुश वर्कआउट टुडे, बेसिकली चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर. मेरा लेफ्ट शोल्डर, पता नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा था अभी बीच में, तो पता नहीं मैंने शॉट मारा था थोड़ा, तब से मेरे को पेन सा हो रहा है. तो मैं ज़्यादा पुश नहीं कर रहा, तो ज़्यादा ट्राइसेप अच्छे से कर नहीं पाया बिकॉज रोटेटर कफ जो है मेरा, वो से मूवमेंट करने में बहुत पेन हो रहा था. बट आई हैड अ प्रीटी डिसेंट वर्कआउट कंसिडरिंग ऑल कि इतनी ठंड एंड 8 डिग्री यार टेम्परेचर, बहुत मुश्किल होता है यार इनिशियली वो वार्म अप करना ना. बट द आइडिया इज़ कि इस साल आई वॉन्ट टू कंसिस्टेंसी ऑफ माई वर्कआउट टू बी हेयर. मतलब अगर मेरा थोड़ा सा बैड डे भी है ना वर्कआउट का, तो आई विल नॉट स्किप इट. मैंने ये सोचा है भले ही मैं थोड़ी सी वर्कआउट कर लूँगा या थोड़ा सा मूवमेंट कर लूँगा, बट आई विल नॉट स्किप माई वर्कआउट एनी डे नाउ. शायद मुझे डाइट का भी कुछ करना चाहिए यार. मतलब इट्स लाइक सिर्फ वर्कआउट वर्कआउट ही नहीं चाहिए, मतलब एक डाइट भी चाहिए ना. तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ चैलेंज करूँ, क्योंकि बिना चैलेंज के ना मुझसे होता नहीं है कुछ. सो आई हैव स्टार्टेड हिटिंग 10K स्टेप्स डेली, क्योंकि मेरे माइंड में जो, मतलब मेरा जो बॉडी गोल है अभी के लिए बल्क नहीं है, इट इज़ गेटिंग ऑन टू अ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज. ऑलरेडी मैं अभी कैलरी डेफिसिट में खा रहा हूँ, लाइक मेरी मेंटेनेंस कैलरी कुछ 2300 या 400 आती है, तो मैं 2200 या 100 के आसपास डेली कंज्यूम कर रहा हूँ. पहले मैं ट्रैक करता था अपनी कैलरीज यूजिंग द वेइंग मशीन एंड ऑल, बट छोड़ दिया था फिर बीच में, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि इतना खाने में इतनी कैलरीज आ रही है. बट थोड़ा सा अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस चालू करता हूँ एटलीस्ट एक हफ्ता, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि मेरा कितना कैलरीज आ रहा है. तो टॉकिंग अबाउट माई ब्लॉगिंग, मतलब मेरा हमेशा ये रहता है ना कि आई हैव ऑलवेज बिन फोकस्ड ऑन द क्वालिटी देन द कंसिस्टेंसी ऑफ व्लॉग, राइट. बट आई गेस वो चीज़ लोगों को, गुड मॉर्निंग क्यूटीज, तो बेसिकली लोगों को वो चीज़ आई गेस नहीं सही लगता. मेरे को लगता है लोगों को कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इक्वल इन टू मतलब बैलेंस कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाता हूँ आई गेस व्लॉग्स को अपडेट करने में या अपलोड करने में. एंड कंसिडरिंग द काम दैट आई डू, उसके कारण भी थोड़ा सा लेट हो जाता है. सो दिस ईयर स्लाइटली द कंसिस्टेंसी ऑफ द व्लॉग्स मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रखता हूँ. एंड कंटेंट ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट, बट जितना एज फार एज पॉसिबल है व्हेन आई ट्राई टू हिट द कंसिस्टेंसी, मुझे वो मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए कम मौके या टाइम मिलेगा. सो आई गेस लेट मी ट्राई कंसिस्टेंसी पार्ट आई गेस दिस टाइम, कि आई विल ट्राई टू अपलोड मोर ब्लॉग्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन. एक ना प्रोटीन शेक बना रहा हूँ, एंड अभी रिसेंटली ना मैंने मसल बेस का ही मंगवाया, एंड इस बार थोड़ा बड़ा मंगवाया क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है प्रोटीन, कि ज़्यादा टेस्ट के लिए मैं खाना खाता नहीं. आई एम जस्ट डूइंग ताकि अपने गोल्स को हिट कर सकूँ, मतलब समझ रहे हो. तो ठीक है, प्रीटी मच डिसेंट टेस्ट है, ज़्यादा वो भी नहीं है. एंड वाटर इंटेक में सिंस ज़्यादा रखता हूँ तो फ्लेवर थोड़ा सा
ब्लाइंड हो जाता है, बट ठीक है, आई कैन लिव अप विद इट. आई गॉट माई ब्रेकफास्ट रेडी अप एंड सुबह सुबह ऐसे आग के पास बैठने को मिल रहा है तो अलग ही वाइब है. एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज. तो व्हाट आई विल डू इन एवरी व्लॉग, आई विल एट द एंड और इन द मिडल आई विल आस्क एनी क्वेश्चन दैट इज दैट आई फील कि हाँ इसका आंसर कर सकते हैं. इट कैन बी एनी पर्सनल क्वेश्चन और रिलेटेड टू एविएशन. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप डाउन इन द यूट्यूब सेक्शन बिलो एंड आई विल रीड इट एंड आई विल फ्रॉम नाउ ऑन इन एवरी व्लॉग आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे. सो इट कैन बी पर्सनल और एनीथिंग. सो ड्रॉप योर क्वेश्चन बिलो एंड जो भी होगा वॉट एवर डाउट यू हैव रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ और रिलेटेड टू एविएशन और फ्लाइंग और इग्रुआ, वॉट एवर इट इज़ आई विल ट्राई टू कवर इट एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज फार एज पॉसिबल अबाउट इट. KFC का चिकन, ग्रिल्ड चिकन टू गुड. कोई ऐसा रोज तुमको बना के दे तो अलग ही वाइब. I recently got a package from Zara and मुझे अभी पता चला कि it was delivered from none other than Captain Bhargav K and this is my birthday present. पता तो है मुझे ऑलरेडी क्योंकि उसने मुझे बर्थडे से एक दिन पहले पूछा था कि शू का साइज़ क्या तेरे, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि शूज़ ही है. सो मैंने सोचा क्यों ना इसको अनबॉक्स कर लूँ अपने व्लॉग में. क्या ओहो ओहो, क्या इसको जिम में जूस कर सकते हैं? आई गेस ठीक है, मैं तो जिम में पहनूंगा, बाहर ज़्यादा जाते नहीं कहीं. बट लुक्स फकिंग ब्यूटिफुल. प्लान तो यही था कि अभी मैं थोड़ा बहुत रनिंग शनिंग जा रहा था तो क्यों ना इसको मैं जिम में पहनूं. थैंक यू भाई फॉर द गिफ्ट, मीन्स अ लॉट. सो एज आई सेड कि मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भी चालू करने वाला था. सो आज के ब्लॉग के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि विच टाइम इज बेटर टू ज्वाइन आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन. सो ये एक प्रीटी कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं या स्नैप DM में आते रहते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. जैसे कि यहाँ आने से पहले हमेशा लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि ऑलरेडी तुमको इग्रुआ में आओगे फ्लाइंग में तो 2 से 3 साल तो लगने ही वाला है. सो वाई नॉट तुम साथ में अपना कोर्स भी करो और साइमल्टेनियसली एक ओपन कॉलेज से अपनी डिग्री ले लो. सो इनिशियली अगर तुम डिग्री लेने जाओगे तो अपने 4 साल को वेस्ट कर दोगे. एंड CPL में ऐसा है कि अर्लियर द बेटर, मतलब जितनी जल्दी तुम लाइसेंस लेके रखोगे जैसी तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तुम ले लोगे, क्योंकि अभी यू नो अभी तक कोरोना के कारण सारा मार्केट अभी डाउन चल रहा है, राइट. सो माय रिकमेंडेशन इज कि अर्लियर द बेटर फॉर CPL. तुम लोग बस आ जाओ अपना CPL कर लो एंड साइमल्टेनियसली कोई भी ओपन कॉलेज से, या तो इवन इग्रुआ में भी डिग्री होती है तो इग्रुआ में तुम BSc एविएशन कर सकते हो, इग्रुआ से नहीं तो कहीं बाहर ओपन कॉलेज से कर लो और साइमल्टेनियसली डिग्री ले लो. और साइमल्टेनियसली जब तक तुम्हारे 2 साल होंगे तो तुम्हारा CPL भी खत्म हो जाएगा और साथ में तुम एक डिग्री होल्डर भी होगे, तो तुमने बेसिकली अपना टाइम भी बचा लिया. और आगे जब अब जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, यू विल बी ऑलरेडी देयर टू अप्लाई फॉर द जॉब. आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग. इफ यू लाइक गिव इट अ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज एज यू कैन सी वी आर वेरी क्लोज टू 400. सो if you are watching and if you like my content don't forget to subscribe guys. And also I got one more package from Amazon. Maine kuch order kiya hai and it is related to fitness only and thoda bahut personal. To guess karo kya hoga. I'll open it in the next vlog.